हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, मैं आज मैं आपके लिए एक और रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे। उनकी सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं, आपके पर्सन की सिचुएशन क्या चल रही है और वो आपको लेके क्या फीलिंग लेके चल रहे हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव अ एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कॉइन एंड द फूल। बॉटम से आता है स्टार एंड हेरियोफेंट। आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई देती है, उनकी करंट स्थिति जो है, सिचुएशन जो है, कि अपनी लाइफ में एक नई उम्मीद के साथ में, नए स्पार्क के साथ में, जैसे कि एक नया एंथुजियाज्म आ जाना और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करना कि नहीं, अब मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक तरह से करेज होना, जज्बा होना, चाहत होना कि अब मुझे ये अचीव करना है, मुझे सबको साथ लेके चलना है और एज ए लीडर की तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स, इस पर्सन की मुझे एक डिज़ायर यहाँ पे नज़र आ रही है, समवेयर ट्राइंग टू हील, अपने आप को ये हील कर रहे हैं किसी, जैसे कि कोई टफ टाइम हो सकता है या फिर जैसे इंसान बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है, वो हिम्मत हार जाता है या फिर होप लूज़ कर देता है अपनी, तो वो इस पर्सन के अंदर रिटर्न बैक होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, समवेयर Try to handle this situation with a positive hope। और दूसरा व्यूवर्स, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का जो माइंड सेट है वो भी ये दिखाता है कि ये जो आगे बढ़ रहे हैं वो कुछ अचीव करने को लेके, कोई लक्ष्य बना के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एंथुजियाज्म तो लोगों में वैसे आता जाता रहता है। ठीक है, आज काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कल काफ़ी लो फील करेंगे, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन इन्होंने व्यूवर्स एक लक्ष्य यहाँ पर बनाया है, ठीक है, एक डिज़ायर इनकी नज़र आ रही है, जिस डिज़ायर को पाने के लिए ये व्यूअर्स आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। समवेयर होपफुल ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने कुछ सोचा तो ज़रूर है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, कि ये मुझे हासिल करना है, ये मेरा लक्ष्य है। मे बी समवेयर करियर को लेके भी हो सकता है इस पर्सन ने डिज़ायर की हो कि आप मुझे इस काम को या फिर इस जॉब को मुझे हासिल करना है या फिर मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, उसको लेके मैं एफ़र्ट्स करूँगा, ये करूँगी, है ना, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है। टॉरस की एनर्जी गाइज यहाँ पर प्रोमिनेंट है और एरीज लियो सेजिटेरियस की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की। ठीक है, अभी देखते हैं आपको लेके इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या आप ही इनका लक्ष्य हो या फिर क्या है इनका लक्ष्य। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ सोर्ड। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी आया है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, आपको लेके जो एनर्जी मिलती है वो ये दिखाती है कि आपके साथ में इनकी इच्छाएं जुड़ी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी गाइस, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपके पर्सन कि वो आपके साथ में रिश्ता बेहतर करे, आपके साथ में कनेक्ट हो और ये जो रिश्ता है ये उनको मिल जाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि वो इस रिलेशनशिप में उनकी इच्छा भी नज़र आ रही है जुड़ी हुई, कि मतलब डिज़ायर है कि हाँ भी मुझे यही पाना है या फिर मुझे यही अचीव करना अपनी लाइफ में और यही मेरे लिए वर्थेबल है। दे डोंट वॉन्ट टू लूज़, ऐसी एनर्जी गाइज मिलती है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है व्यूअर्स कि इनको अपनी लाइफ में आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए, आप भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए या फिर कहीं ना कहीं इनका कोई मोटिव है। ऐसी एनर्जी गाइज मिलती है कि ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके बीच में जो दूरियाँ आ रही हैं, ठीक है, उसमें ये एक ट्रस्ट बॉन्डिंग हासिल करें,
ठीक है, दूरियां आप दोनों के बीच में हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत होना बंद हो गई है, ठीक है, एक दूसरे को लेके मतलब अगर किसी को कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो सामने वाला पर्सन उस दर्द को, तकलीफ़ को देखते हुए भी उसकी उसके उसके दर्द में उसका सहारा नहीं बन पा रहा है, या फिर उसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स नहीं जाग रही हैं कि यार इसको ये तकलीफ़ में है तो मुझे इसकी आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, एटलीस्ट इसको इसका हालचाल ही पूछ लेना चाहिए। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ में एक यूनिटी चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब ये रिश्ता उनकी लाइफ में रहे, वो आपका ट्रस्ट हासिल करें, आपको विश्वास दिलाएं कि अब वो आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं, या फिर वो आपकी वो इच्छाओं को पूरा करेंगे जो आप इनसे कहीं ना कहीं चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन हैं ये आपकी तरफ लुकिंग फॉरवर्ड तो हैं, आपकी तरफ देख भी रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन समवेयर व्यूअर्स ऐसा ज़रूर है कि ये किसी प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को जैसे कि फेस कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हो, मतलब देख रही हूँ ना कि आमने सामने होते भी अभी में भी ऐसा हो सकता है, आप लोग आमने सामने रहते हो दूसरे के, ये एकदम से पड़ोसी हों, कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आप तक अपने मैसेज को नहीं पहुंचा पाए, या फिर आप तक कनेक्ट नहीं हो पाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आप तक अपने थॉट को भी पहुंचा सके। इन्होंने अपने थॉट को भी कैप्चर किया है, अपने आप को रोका है इस पर्सन ने, किसी वजह से हो सकता है, किसी बातों की वजह से हो सकता है, कि फैमिली के प्रेशर की वजह से हो सकता है, कि फैमिली का इंटरफेरेंस हो, या फिर आसपास के लोगों का कल्चर का जो हो, मतलब कई सारी बातें व्यूअर्स इसके माइंड में मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं इस पर्सन के माइंड में। इसी वजह से इस पर्सन ने आपको ये देखते रहे, आपको वॉच आउट करते रहे, आपकी तरफ इन्होंने देख के भी ऐसा हो सकता है कि नज़रें फेरी हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आज जैसे कि आप लोग मार्केट में जा रहे हो, आमने सामने हो, और आप इस तरह से निकल गए एकदम से पैलर एक दूसरे को देखते, मतलब नज़रें चुराते हुए, या फिर इस तरह से बचते बचाते हुए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज इस पर्सन का व्यूअर्स माइंड सेट यही नज़र आ रहा है कि दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, और फिर से एक तरह से वही इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में जैसे कि पहले हुआ करता था, ठीक है, मिलना जुलना, बात वगैरह करना, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है, ठीक है। हाँ, ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ में रिकनेक्ट होना चाहते हैं, इनका इंटेंशन यही है अब मैं इस रिलेशनशिप में ओवरकम करूँगा या करूँगी, या फिर अपनी सिचुएशन को मैं सामना करूँगा, जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से ये आप तक नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपनी इच्छाओं को किसी और के लिए नहीं गला घोटूंगा, उनका ये नहीं घोटूंगी, मैं आपसे कनेक्ट करूँगी या करूँगा। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स ऐसी यहाँ पे वाइब्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, देखते हैं और आपके लिए आपके पर्सन के मन में क्या है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, वही पैशनेट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना व्यूअर्स, अभी वही इस पर्सन के मन में है कि हिम्मत जुटा रहे हैं, ताकत आ रही है, वो कह रही ना एकदम से वो स्पार्क आता है जाता वो तो रहता है, लेकिन इस पर्सन के अंदर व्यूअर्स ये स्पार्क है कि अब वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे, फाइट करेंगे, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कम बैक करेंगे, और एक प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी गाइज हमारे पास अगेन है, तो सिक्स ऑफ वैंड का मतलब व्यूअर्स सिक्स बार थ्री टाइम आना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं और एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आने वाले हैं। अब ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि मैं आपका साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, और अपने फियर का सामना भी करेंगे। अगर किसी फियर फैक्टर की वजह से आपके पर्सन आपके साथ में नहीं जुड़ रहे थे तो ये उसको भी संभालेंगे, उसको भी हील करेंगे। अब ये डरेंगे नहीं सिचुएशन से, भागेंगे नहीं, उससे ओवरकम करेंगे, उससे हैंडल करेंगे, और इस तरह से आपके रिलेशनशिप को ये डील करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर मिलती है, जो एक तरह से यस डेफिनेटली एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकलना दिखाती है। स्टकनेस, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, कोई रास्ता ना मिलना, कोई अपना नहीं दिखना, ऐसा फील करना कि मैं अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई हूँ, या फिर मतलब मेरा कोई साथ नहीं देगा, तो अब इनको किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसा ही फील करें कि मेरी सिचुएशन है तो मुझे खुद ही हैंडल करनी है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जर्नी बिगिन होती हुई नज़र आती है, और आपके साथ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो व्यूअर्स, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो।
मिलते हैं व्यूअर्स एक और नई रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।